आज हम आपको ऐसे दस भारतीय के बारे में बताएंगे जिन्होंने विकलांग होने के बावजूद दुनिया भर में प्रसिद्धि पाई और जो आज सारी दुनिया में प्रसिद्ध हैं हेलो दोस्तों मैं हूँ स्वीटी जैन और आप देख रहे हैं डिस्कवर टीवी इंडिया तो चलिए शुरू करते हैं रविंद्र जैन भारतीय सिनेमा के मशहूर गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन ने अपनी काबिलियत के दम पर बॉलीवुड को कई बेहतरीन गाने दिए रविंद्र जैन जन्म से अंधे थे लेकिन उन्होंने अपनी लगन और मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी और बाद में एक बेहतरीन संगीतकार कहलाए रविंद्र जैन का देहांत नौ अक्टूबर दो को हुआ था अरुणिमा सिन्हा अरुणिमा सिन्हा ने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया अरुणिमा को चलती ट्रेन से डाकुओं ने नीचे फेंक दिया था जिससे उन्हें अपना एक पैर खोना पड़ा इसके बावजूद उन्होंने अपने जज्बे में कोई कमी नहीं आने दी दो साल पहले ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अरुणिमा पहली विकलांग महिला बनी ग्रीस शर्मा ग्रीस शर्मा बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हैं हालांकि बचपन में ट्रेन एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी एक टांग खो दी थी इसके बावजूद वह कभी पीछे नहीं हटे और बेहतरीन प्लेयर बनकर सामने आए शेखर नायक भारत की तरफ से खेलते हुए शेखर नायक ने टी, टी ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता उन्होंने इस टूर्नामेंट में 32 शतक लगाए थे एच रामा कृष्णन रामा कृष्णन कम उम्र में ही पोलियो का शिकार हो गए थे जिनके चलते उनके दोनों पैर खराब हो गए थे शुरुआत में उन्हें कई स्कूलों ने अपाइच के चलते एडमिशन देने से मना कर दिया लेकिन रामाकृष्णन ने कभी हार नहीं मानी और अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जिया उन्होंने चालीस साल तक जर्नलिस्ट के तौर पर काम किया और फिलहाल वह एस एस म्यूजिक टेलीविजन चैनल के सीईओ हैं। एच बॉनीफेस प्रभु प्रभु चार साल की उम्र में पैरालिसिस का शिकार हो गए थे लेकिन उनकी यह डिसेबिलिटी कभी भी उनके लक्ष्य के सामने नहीं आई प्रभु ने स्कूल शिक्षा पूरी करके टेनिस को अपना करियर बनाया और आखिरकार वह सबसे बड़े कार्डिक प्ले के व्हीलचेयर टेनिस प्लेयर बनकर उभरे सुधा चंद्रन सुधा चंद्रन इंडियन एक्ट्रेस और क्लासिकल डांसर हैं सुधा का जन्म केरल में हुआ था वह जब 16 साल की थी तब एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी डॉक्टर्स ने पैर का ऑपरेशन किया लेकिन घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए, जो बाद में का कारण बने, और सुधा को अपना एक पैर खोना पड़ा। सुधा ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनाया और नकली पैर की बदौलत बनकर उभरी राजेंद्र सिंह राहेलू आठ साल की उम्र में राजेंद्र सिंह राहेलू पोलियो का शिकार बन गए थे वह चल नहीं सकते थे लेकिन यह कमजोरी उनके सपनों को पूरा होने से नहीं रोक पाई कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में राजेंद्र ने पावरलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था डॉक्टर सुरेश अडवाणी सुरेश अडवाणी एक कैंसर के प्रसिद्ध डॉक्टर है लेकिन वह आठ साल की उम्र में पोलियो का शिकार बन गए पद दो हजार दो में पद्मश्री और 2012 में उन्होंने पद्म विभूषण सम्मानित किया जा चुका है मलाठी कृष्णमूर्ति होला मलाठी इंटरनेशनल पैरा एथलीट हैं पैरा ओलंपिक की 2000 मीटर रेस में वह गोल्ड मेडल जीत चुकी है तो ये थे दस ऐसे भारतीय जिन्होंने विकलांग होने पर भी पूरे देश में प्रसिद्धि पाई आपको ये जानकारी कैसी लगी मेरे को कमेंट में बताइए और हाँ आप ऐसी नॉलेज वाली वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को हिट करना नहीं भूलना तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक खुश रहिए अपना ख्याल रखिए अपनी स्वीटी को इजाज़त दीजिए बाय